हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले आप 12.1 का सेवन क्वेश्चन। तो सेवन क्वेश्चन भी हमारा फाइंड द रेशो है गिवन फॉलोइंग सिचुएशन, फॉलोइंग नंबर्स या फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो भी आप कह लो। तो देखो क्या है इसमें, अब हमारे पास दो क्वांटिटीज जरूर है, दो क्वांटिटीज को ही कंपेयर करके हम रेशो फाइंड करते हैं, जैसे कि हमारी डेफिनेशन में और आपको हमने समझाया भी है। बट क्वांटिटीज को जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया था, क्वांटिटीज जब हमारे पास दो क्वांटिटीज होती है तो सेम यूनिट के साथ होनी चाहिए, तभी हम रेशो फाइंड कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो देखो इसमें हमारी सेम क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज तो दो दे रखी है बट सेम यूनिट नहीं है, जैसे मिनट्स एंड आवर्स, एंड सेंटीमीटर मीटर, पैसे एंड रुपीज, एंड मिलीलीटर एंड लीटर्स। जैसे कि मैंने दिखा दिया आपको, इनकी जो क्वांटिटीज तो है हमारे पास बट जो इनकी क्वांटिटीज की यूनिट है उनकी सेम नहीं जा रही है, जब सेम होगी तभी जाके हम रेशो फाइंड करेंगे। तो देखो इस केस में हम कैसे करेंगे आपको बता देते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट जब हम अटेम्प्ट करते हैं, ए पार्ट, तो ए पार्ट में हमने क्या देखते हैं, जैसे कि मेरे को दिख रहा है 30 मिनट टू क्या लिखा है, 1.5 आवर, ये मेरे को दिख रहा है इसमें। तो क्या करना है, हमने जो दो क्वांटिटीज है उसको सेम, दो क्वांटिटीज की जो यूनिट है उनको सेम यूनिट में लाना है पहले। जैसे कि दिख रहा है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 30 मिनट तो है ये, टू 1.5 आवर है, मिनट का शॉर्टकट मैंने एम बना दिया, बाकी आप देख लेना, यहाँ से फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है। तो मिनट हम जानते हैं, 1 आवर में हमारी, या तो आवर को मिनट में चेंज कर लो या मिनट को आवर में चेंज कर लो, वो आपके पास ऑप्शनल में है। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे मिनट को, वो आवर को हम मिनट में चेंज कर देंगे, मीन्स बड़ी चीज को हम, जो हमारी बड़ी चीज है आवर है, उसको हम छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में। तो हम क्या जानते हैं, देखो इसको चेंज करेंगे पहले 1.5 आवर को, 1.5 आवर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 60, वो क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा, मिनट हो जाएगा फिर, ऐसा क्यों लिख रहा हूं देखो, ताकि हमारे पास एक रीजन है, क्या रीजन है, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, ये हमारे पास एक केस रहता है, जैसे कि हमें लर्न करा रखा है 1 आवर में 60 मिनट होती है। तो 1 आवर में 60 मिनट होती है, तो 1.5 आवर में मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो आ गया हमारा आंसर, 6 हमारा 15, 6 हमारा 90 होता है, तो 90 एंड 0, तो पॉइंट आ गया मिनट, मिनट्स, तो मींस फाइनल 90 मिनट्स, 90 मिनट्स हो चुका है इसका, जैसे कि हमें दिख रहा है। अब हमारे पास ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। अब तो देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास 30 मिनट टू 90 मिनट, ये हमारा दोनों यूनिट हमने इसकी सेम कर ली है, तो रेशो फाइंड हो सकता है। रेशो रेशो किसका बनाना है हमने, रेशो ऑफ 30 मिनट टू 90 मिनट, तो इस वस्तु कितना हो जाएगा, 30/90, तो मीन जब कैंसिल करेंगे हम इसको, 30 से हो जाएगा 1/9, 1/9 की 1/3, 30 बन जा 30 एंड 33 जा 90, तो वन फाइनल आंसर 1:3। दो है सिंपल ये भी, बट मैंने आपको क्या बताया, पहले जो दो हमारी यूनिट है क्वांटिटीज की उसको सेम करो, और बाकी आपको जैसे रेशो फाइंड करना सिखाया वैसे करो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। बाकी वीडियो पॉज करके नोट करें, नेक्स्ट पार्ट करते हैं आपके लिए, तो इसको इरेज कर देते हैं जो हमें इरेज करना है, बी पार्ट अटेम्प्ट कर देते हैं आपके लिए। अब थोड़ा फास्ट देखना, बी पार्ट में हमारा क्या है, 40 सेंटीमीटर, बी पार्ट 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो देखो मैंने क्या बोलता हूँ, बड़ी चीज को छोटे में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तो 1.5 मीटर इजिक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना हो गया, 1500.1 के बाद सेंटीमीटर, तो मीन्स क्या हो गया, 150 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर इजिक्वल टू 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो क्यों, ताकि हमारे पास एक रीजन है, क्या रीजन है, रीजन भी लिख देते हैं, 1 मीटर इजिक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इस टाइप से हम मेंशन कर देंगे और इसकी अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर रेशो में कैसे करेंगे, रेशो किसका निकालना, 40 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर, तो रेशो हो जाएगा हमारा इनका, रेशो ऑफ 40 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर, फाइनल आंसर हमारा 40/150, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो नहीं सकता, तो फाइनल आंसर हमारा 4:15, जैसे कि दिख रहा है 4/15 आ रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है,
तो फाइनल आंसर हमारा यही जाएगा। बाकी वीडियो को पॉज करके नोट करें, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या निकलता है इसका। देखो इसका सी पार्ट, सी पार्ट देखना आप इसका। इजी है, बस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मीन जब दो हमारे पास क्वांटिटी और यूनिट सेम ना हो, तब उस केस में थोड़ा हमने प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना पड़ता है, एंड देन उसके बाद हमने रेशो फाइंड करना पड़ता है। तो देखो सी पार्ट इसका, सी पार्ट क्या है, 55 पैसे टू रुपीज वन। तो मीन्स रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। रुपीज वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 × 100 पैसे इस टाइप से। तो मीन्स क्या हो गया, 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे। वो मैं क्यों कर रहा हूँ, रीजन आ गया आपके पास, रुपीज वन इज इक्वल्स टू 100 पैसे, देख लेना 100 पैसे। तो इसका हम रेशो कैसे निकालेंगे, 55 पैसे टू 100 पैसे का हमने रेशो निकालना है। तो रेशो निकालेंगे, रेशो ऑफ 55 पैसे टू 100 पैसे। तो फाइनल आंसर 55/100, तो साफ साफ दिख रहा है हमारा 50 हो रहा है कि 55 ही है एक तरीके से, तो कैंसिल हो रहा है 5 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, 111 हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 50, 5 से कैंसिल कर रहे हैं 2 20। तो फाइनल आंसर हमारे 11:20। एक बार इसका देख लेते हैं आंसर, 11:20 आ रहा है। तो जैसे प्रीवियस मैंने बताया था, बट चेक नहीं कर रहा, 4/15 था, और इसका हमारा 11/20 ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा इसका। तो आंसर हमारे सही जा रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट करते जी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट पार्ट में क्या निकल के आता है। जैसे मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही समझते चलिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, डी पार्ट, 500 ml टू लीटर। तो 2 लीटर्स को हम ml में कन्वर्ट कर देंगे, 2 × 1000। मेरे को सब चीजें पता है, इस वजह से मैं ऑलरेडी फास्ट कर रहा हूँ, आपके लिए मैं मेंशन करता हूँ अभी, 2000 ml। तो इसका रीजन है हमारे पास, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। तो फाइनल आंसर हमें फाइंड किसका करना है, रेशो 500 ml टू 2000 ml। तो रेशो ऑफ 500 ml टू 2000 ml, तो रखेंगे हम 500/2000। 0 से 0, 2 0 कई, तो हमारा 5/20 अभी भी कैंसिल हो रहा है, 5 से 1/4। तो फाइनल आंसर 1:4। दो सिंपल से थे केस हमारे, बस थोड़ा दो क्वेश्चन है, 5 और 6, बहुत अच्छे क्वेश्चन, विदाउट थ्योरी पार्ट हमारा डायरेक्ट। उन्होंने क्या दिए, दो क्वांटिटीज दी, फिफ्थ पार्ट में हमारा सिंपल थी, यूनिट से कुछ लेना देना नहीं था, बट यहाँ यूनिट का खेल था, यूनिट को पहले देखना है, पहले यूनिट को सेम करना है, और उसके बाद देन उसका सोल्यूशन मीन्स रेशो फाइंड करके देना है। तो रेशो हमारे सबके सही है, बाकी आप वीडियो को पॉज करके नोट करें, इसी मेथड से आप करते जाइए, बाकी आपका रेशो कभी गलत नहीं जाएगा। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।